असलम दोस्तों मेरा नाम है वजाहत आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी वजाहत और मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये जो वो कानून है सात साल के सबूत हों जिस बंदे के पास वो कैसे कागज़ अप्लाई कर सकता है इस वीडियो में आपको मैं तमाम तरह इंफॉर्मेशन कागजात के बारे में जो सात साल का नोमो चल रहा है जूनान में जितने भी दोस्त यूनान में रहते हैं उनके लिए किस तरह कागजात बनाए जाते हैं किस तरह कागजात को जमा करवाना है कैसे सबूत इकट्ठे करने हैं और किस तरह आपने जमा करवाने हैं कागजात फ़ीस कितनी है टाइम कितना लगता है ये तमाम तर मालूम मैं आपको इस वीडियो में दूंगा आप मेरे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे बात अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इन शाला आपको नेक्स्ट भी मैं आपको ऐसी ही इतम दर वीडियो में बनाकर यूनान में जितने भी कागजात के मसले मसाइल होंगे उस पर वीडियो बना के आपको मैं बताऊँगा और आपके मसले मसाइल इन शाला मैं क्लियर कराऊँगा और उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे अब मैं चैनल को और इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बनाया है कि जितने भी लोग हैं यूनान में दोस्त नए हैं जिनको इन्फॉमेशन चाहिए जिनको मौलूत चाहिए उनको मौलूत अच्छे तरीके से पहुंच सके और मैंने मैं एक पहला शख्स होऊंगा जो जो डायरेक्ट बराह रास्त यूटूब पर लोगों को इस तरह यानी कि लोगों की इस तरह मदद कर रहा हूँ और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पहले किसी भी इंसान ने यू यूनान में ऐसी इन्फॉमेशन नहीं दी अब बिना टाइम जय किए मैं आपको बताता हूँ कि आपने सात साल के जो सबूत हैं वो कैसे इकट्ठे करने हैं और सात साल के सबूत जब इकट्ठे हो जाएं तो फिर उनको कैसे जमा करवाना है फ़र्ज़ करें आप 2014 या 2015 में आए हैं और आपके सात साल कब पूरे हो रहे हैं 2014 के जनवरी में आप आए हैं जो जनवरी में सात साल आप ऐड कर लें 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 की जनवरी में आपको सात साल पूरे होंगे जब आपको सात साल पूरे हो गए आपने कोशिश करनी है अभी 2020 चल रहा है अगर आपके पास 2014 से लेकर 2020 तक सबूत हैं यानी कि छः सबूत हैं छः सबूत सबूत की जो डिटेल डे, होगी वो भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो सबूत किस तरह बनाने हैं मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपके जब सबूत पूरे हो जाएंगे तो फिर आपने कैसे उनको ऐड करके जमा करवाना है आपके जब छः सबूत पूरे हो गए तो आपको अब चाहिए कि आप अभी जाके के पेराफेरिया में अगर आप अथीना में रहते हैं तो अथीना के पैराफेरिया जो कि गलियों के पास है वहाँ पर जाके आप रदेवू ले लें क्योंकि ये जो इस वक्त जो दो हज़ार बीस में चल रहा है सिस्टम के ये कम अज़ कम आठ से दस माह की कुछ लोगों को एक साल के बाद रदेवू मिलता है यानी कि अगर आज आप जाएंगे रदेवू लेने रदे जिनको नहीं पता रदेवू क्या होता है रदेवु होता है अपॉइंटमेंट जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप जाएंगे स्नाती कार्ड या पासपोर्ट साथ लेकर जाएंगे और आप जाकर रदवू लेंगे उस रदेवू में आपको बताएंगे कि फ़लाँ तारीख को आपने आना है यानी कि आठ से दस माह तकरीबा नॉर्मल चल रहे हैं अगर अभी आप जाके लेंगे आठ से दस माह बाद आपको वो बोलेंगे ठीक है अपनी फ़ाइल ले आओ हम आपके कागजात जमा कर लेंगे फ़र्ज़ करें अगे, अगे, अगे अब आपने दस माह बाद गुज़र गया टाइम गुजर गया और अब आप आपके साथ साल मुकम्मल हो गए रद्द की डेट भी आ गई आपने जो फ़ाइल बनाई होगी आपने मुकम्मल जो सबूत इकट्ठे किए होंगे उस फाइल को देने से पहले आपने बैंक में फ़ीस जमा करवानी है तीन सौ तीन सौ सो सोलह यूरो फ़ीस है इनकी और तीन सौ सो सोलह यूरो जमा करवा के वो बैंक की रसीद अपनी फ़ाइल के साथ लगानी है अपना औरिजिनल पासपोर्ट और बाकी सामान जो अपने जो फाइल तैयार की होगी वो आप जाएँ वहाँ पर जमा करवाएँ और जब जमा करवा दें तो फिर वो आपके फिंगर वगैरह लेंगे उधर कुछ दोस्तों के उसी वक़्त फिंगर हो जाते हैं कुछ दोस्तों के कुछ अर्से बाद फिंगर लेते हैं और अगर आप के उसी वक्त तो हो गए तो वेरी गुड अगर नहीं हो तो वो आपको दोबारा बुलाएंगे फिंगर्स के लिए और जब आपके कागज़ जमा हो जाएंगे तो फिर आपको तो कम अज़ कम एक साल से डेढ़ साल का अरसा लग जाता है कुछ दोस्तों को ज़्यादा अरसा भी लग जाता है क्योंकि उनके सबूत जो हैं उनका थोड़ा मसला बना होता है या कुछ और होता है तो इस वजह से आपका ये जो जर्नल तरीका था ये मैंने बता दिया अगर आप बारीकी से और ज़्यादा जांच पड़ताल करना चाहते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो चेक करें आपके टाइम का बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शुक्रिया